वेलकम। हम पढ़ रहे थे विज्ञान का चैप्टर नंबर 10 विद्युत धारा। तो अब तक हमने 4 भाग पढ़ चुके थे। अभी तक आपने नहीं देखे तो आप पिछले वीडियो देखें, तभी ये अगला पार्ट समझ में आएगा। और जो भी मैं आपको इस वीडियो में ओम का नियम पढ़ाने वाला हूँ, तो आप वीडियो देखने के बाद अपनी बुक से भी उसका अध्ययन करें, जिससे आपका ये ओम का नियम या ओम के नियम से संबंधित सभी चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। विद्युत धारा, अब तक हमने पिछले भाग में पढ़ा प्रचलित चिन्ह, अब प्रचलित चिन्हों का उपयोग इसमें भी हम करें। अब बात आती है ओम का नियम। अब आती है हमारा जो टॉपिक है वो है ओम का नियम। क्या है टॉपिक? ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम, लॉ ऑफ ओम, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ है, ओम एक वैज्ञानिक थे। क्या थे वैज्ञानिक? कहाँ के थे? पहली बात ये आती है, ओम जर्मनी के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? जर्मनी के। वास्तव में ऐसा कोई चीज़ पूछी नहीं जाती, लेकिन अभी थोड़ा जनरल। ओम नाम थे, ओम जर्मनी के वैज्ञानिक थे, और इनका नाम था जॉर्ज साई ओम। इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया, बस दो चीज ली चालक तारों में। एक तो विवांतर शब्द लिया, और दूसरा इसके साथ ले लिया वर्सेस विद्युत धारा। इनके मध्य धारा, इनके मध्य ग्राफ खींचा, और इनके मध्य क्या किया? रिलेशन ज्ञात किया, जिसे क्या कहते हैं? संबंध। इनको दोनों को एक दूसरे के एंटी खड़ा कर दिया, और फिर इनमें संबंध किया, यानी विवांतर, और यहाँ विवांतर लिया, यहाँ धारा के मध्यारे खींचा, और फिर इनके मध्य संबंध ज्ञात कर लिया। किस प्रकार? जर्मनी के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने चालक के सिरों पर लगाए गए, चालक है, चालक के सिरों पर लगाए गए विवांतर तथा उस लगाए गए विवांतर के कारण परिपथ में बहने वाली धारा के मध्य एक संबंध ज्ञात किया, और उस संबंध को ही हम कहते हैं ओम का नियम। क्या ओम का नियम? क्या जर्मनी का वैज्ञानिक था ओम ने चालक के सिरों पर लगाए गए विवांतर, जो वोल्टता हम लगाते हैं वो, और उस वोल्टता के कारण परिपथ में बहने, चालक में बहने वाली धारा के मध्य एक रिलेशन ज्ञात किया, संबंध ज्ञात किया, उस संबंध को ही हम क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। बल्कि जबकि चालक की अवस्था होती है जो उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, यानी विवांतर और धारा में जो संबंध ज्ञात किया उसके दौरान उन्हें जो प्रयोग किया उससे संबंधित, तो उन्होंने अपने प्रयोग में यह बताया कि हम उसके भारी वातावरण को, चालक के भारी वातावरण को किसी प्रकार से चेंज नहीं करें, सिर्फ दो ही चेंज कर रहे हैं। एक ही चीज चेंज करें, विवांतर, जिससे धारा चेंज हो रही है, और कुछ नहीं चेंज कर रहे। उस कमरे का टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे, उस कमरे का दाब चेंज नहीं कर रहे, उस कमरे का दाब चेंज नहीं कर रहे, और उस चालक तार की लंबाई चेंज नहीं कर रहे, और उसका क्षेत्रफल भी चेंज नहीं कर रहे। ये सब चीज़ हम चेंज नहीं करें, कोई उनमें परिवर्तन नहीं कर रहे, हम उनको बदल नहीं रहे। तो ये बात कही ओम ने, और संबंध ज्ञात किया। अब बात आती संबंध क्या है, वो देखेंगे। अब संबंध क्या था कि जॉर्ज ने कहा के नियम, ओम के नियम के अनुसार यदि क्या है? यदि किसी चालक तार में चालक तार की भौतिक अवस्था आए, जैसे भौतिक अवस्था जो मैंने बताई है, जैसे कि ताप हो गया हमारा, दाब हो गया, लंबाई होगी चालक तार की, और क्षेत्रफल को स्थिर रख कर चालक पर लगाए गए विवांतर, चालक
पर लगाया गया विवांतर, चालक पर लगाया गया विवांतर तर चालक में बहने वाली विवांतर चालक में बहने वाली वाली विद्युत धारा के क्या है कि विद्युत धारा के समानुपाती है, समानुपाती है। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि को स्थिर रखकर चालक तार पर लगाया रख कर चालक तार पर लगाया गया विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा, है होगा होगा समानुपाती होगा। अगर हम भौतिक अवस्था ताप दाब आदि को स्थिर रखेंगे तो जो विभवांतर होगा वो बहने वाली धारा के समानुपाती होगा। अर्थात चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V है और इसके कारण उत्पन्न होने वाली धारा I है, तो इसके कारण क्या है इस नियम के अनुसार V समानुपाती I, क्या है V समानुपाती I। तो समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए एक स्थिरांक आएगा हमेशा ही, जिस प्रकार हमने देखा V बराबर आई आर, आर बराबर V अपॉन आई, आर क्या एक स्थिरांक है जिसे क्या कहते हैं, जिसे चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं चालक का। और इसका मात्रक क्या होगा, आर का मात्रक यूनिट वो क्या होगी, वी की वोल्ट, वोल्ट वांतर की धारा की एम्पियर, और इसको ओम के नियम के आधार पर इसको नाम दे दिया ओम, ओ एम। ये इस वोल्टेज का मात्रक दे दिया, ओम नाम दे दिया वैज्ञानिक ने की थी। अब आर है वो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है, ताप पर डिपेंड करता है, दाब पर डिपेंड करता है, लंबाई पर डिपेंड करता है और क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। इसलिए आर का मान कब स्थिर होगा, जब ताप स्थिर होगा, दाब स्थिर होगा, लंबाई स्थिर होगी, क्षेत्रफल स्थिर होगा। आर का मान तब क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, एक कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो ये कॉन्स्टेंट तो आर क्या हो जाएगा, यहाँ स्थिरांक, क्या जाए स्थिरांक, स्थिरांक का कोई मतलब नहीं है। तो V ये I इधर चला जाएगा, क्या जाए V इंटू आई, ये स्थिरांक का कोई मतलब नहीं, स्थिरांक कांस्टेंट है तो V I के पर ही निर्भर करेगा, I बढ़ेगा V बढ़ेगा। तो इसी प्रकार इसलिए हमने क्या लिए, भौतिक अवस्थाओं को स्थिर रखा है, उनमें कोई चेंज नहीं किया, यही ओम का नियम है V समानुपाती I, ये ओम का नियम हो गया। अब ओम का नियम है, हमने ओम का मात्रक बता दिया कि यह चालक का क्या होता है, प्रतिरोध होता है। अब बात आती है ओम का नियम सत्य है भी कि नहीं है, ओम का नियम जो चालक पदार्थ है उनके लिए क्या है, सत्य है, लेकिन जो धातुएं होती है उनके लिए सत्य है, लेकिन जो जो अर्ध चालक होते हैं उनके लिए ये असत्य हो जाता है, गलत होता है। आगे उच्च कक्षाओं में आप पढ़ेंगे कि ओम का नियम भी गलत है, लेकिन जो सामान्यतः ओम का नियम क्या होता है, सही, क्योंकि जो चालक पदार्थ है उनके लिए क्या देता है, विभवांतर और धारा के मध्य जो आरेख खींचते हैं हम, विभवांतर और धारा के मध्य जो आरेख खींचते हैं वो क्या आती है, एक सीधी रेखा ही प्राप्त होगी, लेकिन अर्ध चालकों के लिए वो एक क्या नहीं होगी, सीधी रेखा नहीं होगी। तो अब शुरू करते हैं ओम के नियम का प्रायोगिक स्थापन, प्रायोगिक स्थापन प्रयोग द्वारा किस प्रकार सिद्ध करेंगे कि ओम का नियम क्या है, सही है। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है ओम का नियम का, ओम के नियम का प्रायोगिक स्थापन।
ओम के नियम को सिद्ध करने के लिए हमें क्या चाहिए? पहले धारा, हमें क्या चाहिए कि धारा यानी आई, आई का क्या करेंगे, मापन करेंगे और आरे खींचेंगे। हम क्या करेंगे, ये वाई एक्स कहते हैं, इसे एक्स एक्स कहते हैं, एक्स एक्स पर लेंगे वोल्टेज विभवांतर और आई एक्स वाई एक्स पर लेंगे धारा और इनके मध्य आरे खींचेंगे। क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे। अब ग्राफ एक सरलेखा है, सरलेखा, सरलेखा प्राप्त हुई तो ओम का नियम सही है, अन्यथा गलत। तो हमें क्या चाहिए, आई का मान चाहिएगा हर बिंदु पर, वी का मान भी हर बिंदु पर चाहिए। तो धारा चाहिए, धारा का मापन कौन करेगा, वो एमीटर, धारा का मापन एमीटर करेगा। एमीटर को किस क्रम में लगाएंगे, श्रेणी क्रम में, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। और एमीटर का चिन्ह ए, प्रतीक चिन्ह, ये काम आया। अब विभवांतर भी चाहिए हमें, इसमें क्या चाहिए, विभवांतर भी चाहिए आ रहे, क्योंकि विभवांतर और धारा के मध्य आ रहे खींचना है। वी चाहिए, वी का मापन कौन करेगा, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर चाहिए, वोल्ट मीटर, ये हो गया हमारा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को किस क्रम में लगाएंगे, त्रिपथ के समांतर क्रम में, जिन दो बिंदुओं के मध्य। अब ये बात, तीसरी चीज, हमें प्रतिरोध भी चाहिए, क्योंकि प्रतिरोध भी क्या है, इन दोनों मध्य जो आरेख होगा वो क्या होगा, V अपॉन I, वो R है, इस आरेख की ढाल का उल्टा हो जाएगा। तो ये बात हमारी है कि ये V और I पर जो अनुपात है वो R होगा और प्रतिरोध भी हमें क्या होगा, चाहिएगा। प्रतिरोध को किस प्रकार व्यक्त करेंगे, इस प्रकार प्रतिरोध को व्यक्त कर देंगे R से, एक निश्चित प्रतिरोध ले लेंगे, क्योंकि प्रतिरोध तभी चेंज हो, ये हो गया। इसके अलावा धारा प्रवाह के लिए वोल्टता देने के लिए हमें क्या चाहिए, बैटरी भी चाहिएगी, ये बैटरी हो गई। बैटरी के साथ हमें कुंजी भी चाहिएगी, एक कुंजी चाहिए ताकि धारा का प्रवाह रोक सके, बंद कर सके। साथ ही धारा को बदलने के लिए क्या चाहिएगा, धारा निरंतरक अर्थात परिवर्तित प्रतिरोध चाहिएगा, जिससे हम धारा का मान चेंज कर सकें। ये सब चीज़ हमें चाहिए, क्या, प्रतिरोध चाहिएगी, एमीटर चाहिएगा, वोल्ट मीटर चाहिएगा, और हमें चाहिएगी बैटरी चाहिएगी, कुंजी चाहिएगी, वोल्ट और धारा निरंतरक से, ये सब चाहिए। और इन सब का उपयोग करके हम बनाते हैं ओम के नियम के स्थापन का विद्युत परिपथ, ओम के नियम के प्रायोगिक स्थापन का क्या बनाते हैं, परिपथ बनाते हैं, विद्युत परिपथ। तो इसमें हमें एक प्रतिरोध चाहिए, हमने एक प्रतिरोध ले लिया, ये हमने प्रतिरोध ले लिया, ये हमने प्रतिरोध ले लिया आर। ये क्या है प्रतिरोध, ये इसका पी बिंदु सिरा प्रतिरोध का, और ये हो गया क्यू सिरा। अब प्रतिरोध के सिरे पर हम क्या ज्ञात करेंगे, विभवांतर ज्ञात करेंगे इन दोनों सिरों पर, क्योंकि ये प्रतिरोध है, चालक तार है, ये क्या है, चालक तार, चालक तार का ही गुण होगा प्रतिरोध। तो ये पूरा पी क्यू एक चालक तार है, जिसमें आर क्या है, प्रतिरोध है। तो इस चालक तार पर हम क्या ज्ञात करेंगे, इस चालक तार के सिरों पर क्या ज्ञात करेंगे हम, ये दोनों इसके सिरे के अंतिम बिंदु है, क्या ज्ञात करेंगे, विभवांतर ज्ञात करेंगे। विभवांतर ज्ञात करने के लिए चालक तार के समांतर क्रम में क्या लगाएंगे, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर लगा देते हैं। ये हमने वोल्ट मीटर लगा दिया, वोल्ट है, वोल्ट मीटर हमने क्या लगा दिया। अब मां अभी तक बैटरी नहीं लगाई, हमें पता नहीं कि ये प्लस सिरा हुआ, ये नेगेटिव सिरा, जो बैटरी के प्लस सिरे से जुड़ा हुआ प्लस, और जो अगला दूसरा सिरा हुआ वो नेगेटिव, ये हमारा हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करनी, धारा ज्ञात करनी। धारा ज्ञात करने के लिए एमीटर को उपयोग करते हैं, एमीटर किस क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में। तो क्यों, ताकि जो चालक तार में जाने वाली धारा है वो क्या जाए, एमीटर से जाए। तो इसके पहले क्या लगाएंगे हम,
एम एक्स, ये इसकी सुई है एमीटर हो गया। एमीटर जो हमारी धारा का मापन करते हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव अभी तक पता नहीं, क्योंकि धारा की दिशा इधर है या इधर है अभी तक पता नहीं। ये हो गई हमारी, अब चाहिए हमें बैटरी, बैटरी चाहिएगी। ये ई बैटरी कह सकते सेल है ये एक प्रकार से, अब दो बैटरी भी कह सकते एक सेल वाली बैटरी। तो ये बैटरी होगी जिसे बी से व्यक्त कर सकते हैं। अब ये पॉजिटिव सिरा है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब हमने मैंने बताया कि जो कुंजी जोड़ते हैं वो बैटरी के क्या नेगेटिव सिरे के साथ जोड़ते हैं। ये एक कुंजी हो गई हमारी के कुंजी, कैसे कुंजी, ये अभी तक खुली है। और एक चाहिए हमारा धारा निरंतर, धारा को बदलने के लिए धारा निरंतर भी इसके साथ जोड़ देते हैं, अप डाउन अप डाउन। ये हमारा हो गया धारा निरंतर। अब धारा निरंतर हो गया, अब इन दोनों को क्या जोड़ेंगे, साथ जोड़ेंगे, क्या करेंगे। ये हो गया हमारा धारा नियंत्रक आर एच, आर एच ये धारा नियंत्रक। अब जो धारा जाएगी वो पॉजिटिव से यानी धनात्मक व्यूह से यानी उच्च व्यूह से निम्न व्यूह की ओर, धारा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। ये आई धारा, ये यहाँ आ जाए आई धारा। अब क्या करते हैं, पहले शुरुआत में हमने एक सेट कर लिया, तार ले लिया चालक तार, इसकी कोई फिक्स लंबाई है, निश्चित लंबाई है जिसको चेंज नहीं करेंगे। एक वोल्ट मीटर लगा दिया आदर्श, एक एमीटर लगा दिया श्रेणी क्रम में, एक बैटरी लगा ली एक अच्छे वोल्टेज की से बैटरी, और एक कुंजी लगा दी और एक धारा। अब धारा नियंत्रक पर एक उचित प्रतिरोध लेते हैं, उचित मान का एक प्रतिरोध एक बिंदु पर सेट कर देते हैं, और फिर क्या करते हैं कुंजी को बंद, कुंजी को बंद करते हैं, और परिपथ में क्या बहती है, धारा बहती, क्या परिपथ में धारा बहती, क्या है परिपथ में धारा बहती है। अब ये कुंजी ऑन कर दी तो परिपथ में क्या बहेगी, धारा, उसको कर क्या कर लेते हैं नोट, जितनी एमीटर की सहायता से उस धारा को क्या कर लेते हैं नोट, धारा को नोट कर लिया। और वोल्टमीटर की सहायता से वो वांतर को ज्ञात कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं नोट, किसकी सहायता से, वोल्ट मीटर की सहायता, चालक के तार के सिरों पर वोल्ट मीटर को भी नोट कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, धारा निरंतर की सहायता से प्रतिरोध को चेंज करते हैं इस साइड के, जिससे क्या होती है धारा चेंज होती, और फिर पुनः क्या कर लेते हैं धारा को नोट कर लेते हैं आई को, उसी बिंदु पर उसी प्रतिरोध के सिरे पर क्या कर लेते हैं वोल्टता नोट कर लेते हैं। इसी प्रकार हम इन सब को नोट करते रहते हैं और आरेख बनाते हैं, प्रत्येक बिंदु पर हम धारा आई और वोल्ट वी। अब जीरो बिंदु पर जब जीरो होगा विभवांतर वोल्टेज तो क्या होगा, जीरो धारा होगी ऐसे। फिर जैसे जैसे एक सीधी ये रेखा होगी, ये बिंदु हो गया मान लीजिए, ये बिंदु हो गया जिस पर हमने ज्ञात की, ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया, ऐसे बिंदु प्राप्त होंगे जिस पर हमने क्या ज्ञात की ई, ये सब बिंदु होंगे जो इन बिंदुओं को मिलाने से क्या प्राप्त होगी, एक सरलरेखा, सरलरेखा। इसकी जो ढाल होगी ये थीटा, जो ढाल क्या होती है इसकी प्रवणता, ये इसकी कितने कोण से झुकी है वो ढाल होती है, ढाल होगी वाई एक्स आई बटा वी। तो ये आई बट्टा वी क्या हो जाएगा, एक बटे आर, नहीं प्रतिरोध का उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगी जो ढाल प्राप्त होगी प्रतिरोध की उल्टी। अब आपको बताएं चालक तार में धारा नियंत्रण की सहायता से अलग अलग मान की धारा बहते हैं, और उन बिंदुओं पर उन धाराओं के संगत हम विभवांतर को वोल्ट मीटर की सहायता से नोट करते हैं, फिर धारा और वोल्ट मीटर के मध्य विभवांतर के मध्य ग्राफ ग्राफ खींचते हैं जो एक सीधी रेखा प्राप्त होता है, और जिसे यह सिद्ध होता है कि चालक
तार के सिरों पर जो उत्पन्न विवांतर है वह धारा के समानुपाती होगा, यही सही है। जो ऐसा आरेख हमें बनाना, ये सब कुछ करना है। ये हमारा हो गया पूरा टॉपिक ओम का नियम क्या है। अब है इससे संबंधित न्यूमेरिकल, ऐसा आरेख बनाना है हमें। अब है हमारा ओम के नियम से संबंधित न्यूमेरिकल है कि ओम का नियम, तो वो देखते हैं न्यूमेरिकल हम क्या है। न्यूमेरिकल नंबर 3, किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए यदि उसमें एक 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो और चालक तार के सिरों पर 2 वोल्टेज का विभवांतर हो। तो यहाँ जो धारा दी गई है, धारा कितनी है, किस उदाहरण नंबर 3 है हमारा पाठ्य पुस्तक, उसमें धारा दी गई है जिसे I से व्यक्त करते हैं 0.5 एम्पीयर, यानी 1/2 एम्पीयर। और जो विभवांतर दिया गया है वो दिया गया है 2 वोल्टेज का, V बराबर 2 वोल्ट का दिया गया। अब हमें ज्ञात करना है चालक तार का प्रतिरोध, ऐसा लिखना है R ज्ञात करना है। तो ओम के नियम से ऐसा लिखा, ओम के नियम से कि V बराबर R। अब या R बराबर क्या है, V अपॉन I। V का मान क्या है, 2, I का मान 1/2, 2 से 2 ऊपर चले जाए 2 × 2 यानी 4, क्या जाएगा ओम, ओम ओ एच एम ओम या ऐसा। तो क्या हो जाएगा, चालक तार का जो प्रतिरोध है 4 ओम हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ऐसे लिख दिया आंसर। तो इस भाग में हमने पढ़ा ओम का नियम क्या है कि ओम ने, एक जर्मनी का वैज्ञानिक था, उसने चालक तार के विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के मध्य संबंध ज्ञात किया और बताया कि वी समानुपाती आई और चालक तार की भौतिक अवस्था को क्या नहीं करते, चेंज नहीं करते। चालक तार के ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल को बिना बदलते तो चालक में उत्पन्न विभवांतर उसकी में प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा, वी समानुपाती आई यानी वी बराबर आर आई। आर एक स्थिरांक है जो चालक का प्रतिरोध है, जो उस चालक के लिए चालक पर डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा चालक। और ओम का नियम का स्थापन का जो प्रायोगिक कार्य है वो किया, उसमें क्या किया, हमने धारा नियंत्रक से धारा चेंज की, उस धारा को नोट किया एमीटर की सहायता से और फिर उसके संग उस धारा के संग वोल्टमीटर की सहायता से विभवांतर ज्ञात किया, उनके मध्य आरेख खींचा जो एक सरलरेखा प्राप्त होती है जिससे यह सिद्ध होता है कि विभवांतर धारा के समानुपाती है, और एक हमने ये कर लिया। तो ये ही ओम का नियम है। अगले वीडियो हम ओम का नियम में जो हमने प्रतिरोध उत्पन्न किया था उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रतिरोध का मात्रक जो हमने पढ़ लिया ओम है उसको पढ़ेंगे और 1 ओम की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।